Good morning, everyone. Today, we will start a new chapter. The name of the chapter is The Wonderful Waste. So firstly, I'm giving you the summary of this chapter, and after that, we will discuss this chapter in detail. So listen it carefully. Once, the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. In the afternoon, the Maharaja entered the kitchen and said, What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook. The cook said, they are waste. We will throw them. You can't waste all these bits and pieces. Find a way to use them. The Maharaja walked away. The cook was in a fix, kept staring at scraps for some time. An idea came in his mind. He made the dish and decorated with curry leaves. Everyone was eager to know the name of the new dish. He named Evil to the dish. Imagine it, all came from a basket of waste. So this is the summary of this chapter, and now we will discuss this chapter in detail. So let's start. Once, the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his place. एक बार की बात है कि Travancore के महाराजा थे, उन्होंने अपने पैलेस में एक बहुत बड़ा जो था डिनर का आयोजन किया, ठीक है? In the afternoon, before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that has been prepared for the feast. अब क्या हुआ? बात है afternoon की, ठीक है? बात की जा रही है दोपहर की. डिनर से पहले महाराजा ने क्या सोचा कि चलो एक काम करते हैं कि किचन के अंदर चलते हैं और देख कर आते हैं कि आज जो है फीस्ट मतलब दावत के लिए, ठीक है, आज रात की दावत के लिए कौन कौन सी जो है डिशेस बनाई जा रही है. What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook. अब उन्होंने क्या किया, कुक से पूछा कि तुम अब इन वेजिटेबल स्क्रैप्स का, आपको पता है जो वेजिटेबल्स जब कट करते हैं, जब हम उनके छिलके वगैरह उतारते हैं, तो हम क्या करते हैं, नेचुरली हम उनके छिलकों को क्या है डस्टबिन में फेंक देते हैं, हमारे लिए तो वो वेस्ट होते हैं. तो इसलिए जो है महाराजा ने उनसे पूछा कि भाई अब ये जो वेजिटेबल्स के जो सब्जियों के जो छिलके वगैरह हैं, तुम इसका क्या करने वाले हैं. पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर, और किसकी तरफ, जो उन्होंने पूरी जो एक बास्केट पड़ी हुई थी छिलकों से उसकी तरफ इशारा करते हुए उन्होंने पूछा कि अब तुम इनका क्या करोगे. द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे. अब उन्होंने क्या बोला कि भाई वो तो बिल्कुल वेस्ट है, वो हमारे लिए यूजलेस है, अब हम उन्हें क्या करेंगे, हम उन्हें फेंक देंगे. यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स, फाइंड अ वे टू यूज देम. अब महाराजा ने उनसे बोला कि नहीं, तुम इन सब चीजों को वेस्ट नहीं कर सकते हो, कोई ना कोई तरीका निकालो इनको और अच्छे से यूज करने का, कि तुम और किस ढंग से जो है इनका इस्तेमाल कर सकते हो. द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉक्ड अवे, ठीक है, इतना कमांड करके जो है महाराजा जो है वहां से चले गए. द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग, मतलब घूरना, एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम. अब क्या हुआ कि कुक तो जो था मतलब सोच में पड़ गया और वो स्टेरिंग मतलब घूर रहा था, बार बार जो था वो जो बास्केट पड़ी हुई थी छिलकों की उसकी तरफ वो घूर घूर के देखा जा रहा था कि अब मैं ऐसा क्या करूं, कैसे जो है मैं इन छिलकों का इस्तेमाल करूं, इस वेस्ट का इस्तेमाल करूं. सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड. सडनली क्या हुआ कि एक आइडिया आया उसके दिमाग में. क्या आया? He took all the vegetable bits and washed them and cleaned them well. अब उसने क्या किया, सारे के सारे जितने भी वो vegetables के scraps थे, वो जो छिलके थे, ठीक है, उनको उठाया, उनको अच्छे से wash किया, अच्छे से साफ किया, अच्छे से clean करा उसको, ठीक है. Then he cut them into a long strips. तब उसने क्या किया, उनको बड़ी बड़ी long long strips में जो है उसको काटना शुरू किया. He put them in a huge pot, huge मतलब बहुत बड़ा, and placed it on the fire to cook. अब क्या हुआ, उसने क्या किया, उन सारे जो उसने उन स्क्रैप से जो लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रिप्स काटे हुए थे उसको एक बहुत बड़े से पोट के अंदर जो है उसको डाल दिया, और उसको कहाँ रख दिया, उसको आग के ऊपर रख दिया, और उसको पकने के लिए, कुकिंग के लिए, ठीक है. नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर. उसके बाद उसने क्या किया, इन सब चीजों का पेस्ट बनाया उसने. क्या क्या पेस्ट में डाला, कोकोनट डाला, नारियल डाला, जिसमें और साथ में ग्रीन चिलीज मतलब हरी मिर्च डाली, और साथ में उसने लहसुन डाला. इन सब का उसने क्या किया, अच्छे से उसने एक पेस्ट बनाया. He added this paste and some salt to the cooking vegetables. अब क्या किया, उसने इस पेस्ट का, ये जो तीनों चीजों का इस्तेमाल करके जो उसने पेस्ट बनाया था, और साथ में कुछ नमक डालकर जो है उसने वो जो वेजिटेबल्स जो है वो पकने के लिए जो रखी थी उनके अंदर इस सब चीजों को मिला दिया.
ठीक है, अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पोर्ट. अब क्या हुआ, बहुत अच्छी सी जो खुशबू थी ना वो उस पोर्ट में से आना शुरू हो. नाउ ही व्हिप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू द करी. अब उसने क्या किया, उसने सम कुछ कर्ड जो है, कुछ दही जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो उसने उसके अंदर ऐड करा जो वो सब्जी वो बना रहा था. ही ऑल्सो पोर्ड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल एंड डेकोरेटेड द डिश विद अ करी लीव्स. ठीक है, कड़ी पत्ता जिसको हम कहते हैं, कड़ी लीव्स जो होता है, कड़ी पत्ता. ठीक है, उसने क्या किया, उसने उसके बाद जो वो सब्जी वो बना रहा था, ठीक है, उसके बाद उसने उसने कुछ जो है स्पून, कुछ चम्मच जो है उसने उसके अंदर नारियल तेल के, कोकोनट ऑयल के डाले, और साथ में उसने क्या किया, उस डिश को कड़ी लीव्स, कड़ी पत्ते से जो है उसको डेकोरेट करा. ठीक है, लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी. अब क्या था, वो जो नई जो डिश वो बना रहा था, आपको पता है कौन सी डिश बनाया था, जो वेजिटेबल वेस्ट से, जो वेस्ट मटेरियल, जो स्क्रैप्स बचे थे, जो छिलके बचे थे, उनसे जो वो बना रहा था डिश, वो रेडी हो गई. द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग. अब उसने क्या किया था, अब उसने जो दावत बुलाई गई थी, डिनर जो ऑर्गेनाइज किया गया था पैलेस में, उस डिनर में उसने उस डिश को सर्व किया गेस्ट. Everyone was eager, eager मतलब curious, उत्सुक जिसको हम कहते हैं ना, to know the name of the new dish. अब हर कोई जो था बहुत eager था, बहुत curious था उस new dish का नाम जानने के लिए कि भाई इतनी tasty जो dish बनी है actually इसका नाम है क्या. The cook thought and thought. अब cook जो है वो सोचा जा रहा है. Then a name came to his mind. और suddenly उसके दिमाग में एक नाम आता है. He named it Uvyul. ठीक है, इसको हम कहते हैं Uvyul. Uvyul becomes famous all over Kerala. Is now one of the, ठीक है, अगर आप बात करें केरला की, तो ये केरला की एक बहुत फेमस जो है डिश है. ठीक है, इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन द ट्रेडिशनल केरला फेस्ट. अगर हम बात करें जो है, जब भी अगर हम ट्रेडिशनल फीस्ट की बात करें केरला में, तो उसमें ये डिश जो है वो ज़रूर आपको देखने के लिए मिलेगी. ठीक है, एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट. और जस्ट एक इमेजिन करो कि ये जो एक डिश जो है वो तैयार की गई है जस्ट वेस्ट से. ठीक है, जो एक पूरी की पूरी उसके पास जो बास्केट पड़ी हुई थी वेस्ट की, उससे उसने ये डिश जो है वो तैयार की जो इतनी फेमस थी. ठीक है, और आप केरला के ट्रेडिशनल फीस्ट में देखेंगे तो आपको जो है ये देखने के लिए मिलेगी डिश. ठीक है, तो आप क्या, इसका मोरल क्या होगा, कि मोरल जो है इस स्टोरी का आपको देखने के लिए मिलेगा कि वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल. ज़रूरी नहीं है कि वेस्ट हमारे लिए यूजलेस होता है. ठीक है, वेस्ट जो है हमारे लिए जो है वो यूजफुल भी हो सकता है. बस हमें सोचने का तरीका होना चाहिए कि हम किस ढंग से जो है चीज़ों का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं. आपके पास, आपको पता होगा, आपके पास घर में भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप सोचते हो कि वेस्ट हैं. कहीं पे आपका कपड़े का टुकड़ा आपको कहीं पे मिलता होगा, कहीं पे, ठीक है, आप कॉटन देखते हो वैसी पड़ी रहती है, बहुत सारी चीज़ें कहीं से, अगर आपके पास कुछ चीज़ है जिसमें से मोती वगैरह निकल रहे होते हैं, बीट्स वगैरह निकल रहे होते हैं, सो यू कैन ऑल्सो यूज़ देम टू मेक समथिंग डिफरेंट. ठीक है, आप उन चीज़ों का यूज़ करके भी कुछ ना कुछ जो है डिफरेंट क्रिएट कर सकते हो. जैसे हम आपको भी कभी कभी देते हैं कि आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो वेस्ट मटेरियल से बना के लेकर आनी है, तब आप कितनी अच्छी अच्छी चीज़ों बना के लेकर आते हो. बस हमें चाहिए होता है कि हम सिर्फ सोचें कि हम किस वे से जो है, किस चीज़ों का इस्तेमाल कर जो है इस्तेमाल करके जो है और क्या क्या चीज़ें जो है नई डेवलप कर सकते हैं. सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाने की देरी होती है. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आपको न्यू वर्ड्स दे रखे हुए हैं. अन अफेक्ट्स अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम. मतलब क्या होता है कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाना है जिससे समझ, एस्केप मतलब भागना, कि जिससे ना समझ पाए हम कि हम कैसे उस सिचुएशन से भाग जाए, मतलब कैसे हम उस सिचुएशन से अपने आप का पीछा छुड़वा पाए. ठीक है, फ्लैश अक्रॉस द माइंड सडनली थिंक ऑफ. मतलब क्या हुआ, जैसे हमने बोला था कि क्या हो गया, सडनली उसके दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया आ गया. लो एंड बिहोल्ड मीन्स लुक व्हाट अ सरप्राइज. देखो कि क्या सरप्राइज है. ट्रेडिशनल फीस्ट मतलब हर्टी मील फॉर मेनी गेस्ट सर्व ऑन अ, कि एक बहुत अच्छी मील जिसको बहुत सारे गेस्ट को सर्व किया जाता है किसी स्पेशल ओकेजन पर. ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये सारे वर्ड मीनिंग्स जो हैं वो अपनी कॉपी में करने हैं. उसके बाद हम बात करते हैं इनके ट्रू फॉल्स की. जो जो बुक में करने वाली एक्सरसाइज हैं हम वो डिस्कस कर लेते हैं. The king had ordered a dinner in the palace. ठीक है,
अब आपको बताना है कि क्या ये सही है या फिर ये गलत है, ठीक है। आपको मैंने पूरा चैप्टर बता दिया है, उसके बाद आपके पास मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ करने के लिए। सबसे पहले तो आपको ये सारे न्यू वर्ड्स जो हैं अपनी कॉपी में करने हैं, और ये ट्रू फॉल्स जो हैं वो आपको अपनी बुक में करने हैं। मैंने आपको पूरा चैप्टर रीड करवा दिया, अब आप खुद सोचिए कि ये इनका क्या होगा। द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर, क्या किंग ने ऑर्डर किया था अपने पैलेस में, ठीक है। सही है तो ट्रू, गलत है तो फॉल्स। नो वन हैड हर्ड ऑफ और टेस्टेड एविल बिफोर, क्या आज मतलब जब उससे पहले के किसी ने इसके बारे में नहीं सुना था और ना उसको टेस्ट करा था। द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग, क्या कुक ने प्लान किया था कि वो जो है एक और डिश बनाएगा यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स, ठीक है। सो दिस इज फॉर टूडे।